के लिए कब से खिदमत कर रहे हैं? सही बात ये कि ये तकरीबन हमारी इस फील्ड में तो मैं 2000 से हूँ, लेकिन इस तंजीम से जो है कि 2013 से हम काम कर रहे हैं जी जी, और इंशाल्लाह ताला आगे भी इसकी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं होती है। हम जो कुछ भी करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड तो ज़रूर हैं, लेकिन हम जो कुछ काम कर रहे हैं हम अपने आप की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, अपनी बुनियाद पर काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि बाहर का प्रोजेक्ट हम लेना नहीं चाहते, इसलिए कि हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, मरना भी पाकिस्तानी बन के भीख भी यही मांगेंगे। यही वजह है कि हमने अपने बैनर के ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान है तो हम हैं और पाकिस्तान की बका पाक फौज, और यही वजह है कि हम अपने मुल्क में ही मांगना चाहते हैं, अपने मुल्क में ही खैरात देना चाहते हैं। अभी तक आपने कितने लोगों को राशन बांट चुके हैं और इस हवाले से कितने प्रोग्राम कर चुके हैं? सही प्रोग्राम के हवाले से तो हमने मीरपुर खास से शुरू हुए, मीरपुर खास में हमने राशन बांटा है, और वो भी इंशाल्लाह ताला अगर हम आपको फुटेज दिखाएंगे आप खुश हो जाएंगे कि हमने बाकायदा कोरोना को फॉलो करते हुए फर्दन फर्दन फासले पर हमने तकसीम किया है। कोरंगी में हमारे दोस्तों ने हैंडवाश का अमली प्रोग्राम किया है, और बदीन में हमारे दोस्तों ने हाथ धुलाने का अमली प्रोग्राम पेश किया है, और यहाँ पर 1000 पेले बांट चुके हैं, और आज आपके सामने ये 500 मुर्गियाँ और ये 75 से ज़्यादा हमारा काम है जो हम इंशाल्लाह ताला राशन हम बांट रहे हैं और इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कराची में कौन कौन से इलाकों में आपने अभी तक काम किया है? कराची में कोरंगी में काम किया है जी, और कराची में जहाँ आप अभी बैठे हैं मलीर में काम किया है जी, और कराची तो बड़ा इंटरनेशनल शहर है, लेकिन ये कि सच्चे लोग मिलने में जरा दिक्कत होती है। बात ये है कि सर सफेद पोश लोग भी हैं जी, हमारा ये ना फिल्म के हवाले थोड़ा बताएंगे कि फिल्म में क्या पोजीशन है अभी हमारे गुरबत के हवाले से कि लोग थोड़ा फिल्म फॉलो करें। सही बात ये कि सिंध के अंदर हकीकत ये कि सिंध के अंदर वसाइल जो है वो वडेरों के हाथ में है, MP MLAs के हाथ में है, गरीब लोग जो है उनको असल ही से ये बताया गया कि जो कुछ उनको मिलता है ये उनको खैरात मिलता है, उनको मेहरबानी के तौर पे मिलता है। आज भी आप चलेंगे खेतों में हमारी इंटीरियर सिंध की औरतें जो हैं बेचारी वो धूप में मिर्चियाँ चुनती हैं खेतों में से, खेतों में काम करती हैं, 100-200 रुपये दिहाड़ी पर काम करती हैं, घर का काम करती हैं। हमारे पास सिंध के अंदर सेहत का कोई इंटीरियर सिंध के अंदर कोई सेहत का बंदोबस्त नहीं है, अस्पताल में मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन तो छोड़े, लेकिन ऐसे ऐसे इलाके जहाँ लोग एक पैरासिटामोल की गोली के लिए तरसते हैं। कराची के अंदर माशाल्लाह पढ़ी लिखी आबादी है और पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छा इंतज़ाम है, मगर अंदरूनी सिंध में जो हाल हुआ हुआ है ना वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, उन तक इमदाद पहुँच नहीं पाती। मैं तो खुद भी राउंड करके आया हूँ, मैं मेमन गोट तक गया हूँ, वहाँ मेरे पास हर गोट से फ़ोन आता रहा है कि परेशानी हो रही है, राशन नहीं मिल रहा। तो मैं कहता हूँ हम बहुत लाख अच्छे हैं और कोशिश की जाए सिंध में भी, मैं हुकूमत से बोलता हूँ कि सिंध में भी राशन पहुँचाया जाए, हमारे सिंध के लोग जो परेशान हैं गरीब, आप चले जाएँ कंडली की तरफ चले जाएँ, वहाँ पर देखें लोग भूख से जो है ना तरस रहे हैं, मेमन गोट चले जाएँ, लाड़ बदीन चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, बहुत बुरा हाल है। मैं कहता हूँ नाज़रीन आप हुकूमत से कहता हूँ कि प्लीज़ आप इनके लिए जद्दोजहद करें और इन तक राशन पहुँचाएँ, और हर चीज़ की परेशानी है, गंदा पानी मिल रहा है उन लोगों को, कोई वो नहीं है कुएं का पानी पी रहे हैं, उसमें बहुत मामलात हैं। बाकी ये देखें PK 47 न्यूज़, इमरान कराची, कैमरामैन समी।